मॉर्निंग वॉक में स्कूटी से जा रहे हैं। मम्मी जी को हैंड ओवर है चैनल। गेहूं का आटा, मैदा, हलवा है क्या? वो राजस्थान का फूड है। ठीक है, नेक्स्ट। किसी पर थाल कैसे फेंकूं? मुंडा आगे रखूंगी तड़के में, मुंह ही नहीं उछलेगा। पांच बजे उठने का प्लान था, 6:30 बजे उठे हैं। आज हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। मॉर्निंग वॉक में स्कूटी से जा रहे हैं। कोई मॉर्निंग वॉक करने के लिए आता ही नहीं है, खाली खाली पड़ा है एकदम। देखो, मॉर्निंग वॉक करने सुबह सुबह आ रहे हैं, ठीक है। 5 बजे से 6 बजे खत्म हो जाती है उनकी, भाई 6 बजे शुरू हुई है तो अपन लेट हो गए। हाँ, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, हमारी वजह तो। अच्छा, आपकी वजह से? तो कंचन की वजह से, ठीक है ना। अरे मैं तो उठ गई थी, मम्मी जी नहाने चली गई। इतनी बड़ी लोकेशन आ रही, पता तुमको कितना मस्त लग रहा है कैमरे में, तो और ही ज्यादा अच्छा दिखता है। तो हाथ हिला के चलो ना, वीडियो क्या बना रहे हो आप? ये है पतझड़। मम्मी जी कह रही है पतझड़ के दिनों में मन नहीं लगता जैसे मेरा नहीं लगा। मच्छर मेरे गाल पे, मेरे मुंह पे, बाप रे मच्छर कहाँ है, गया उड़ गया। वो भी देखे, चलते चलते ये तो फोन पे बातें कर रही है। मैं इसका फायदा उठाता हूँ, इसे काट देता हूँ। थक भी गए मम्मी जी, खूब चले खूब चले खूब चले। आज मम्मी जी को हैंड ओवर है चैनल। मम्मी जी बना रही है क्या? दाल बाटी विदाउट बाटी मेकर। बाटी मेकर है ही नहीं, तो मम्मी ने क्या किया, क्या क्या डाला इसमें? अभी तो गेहूँ का आटा लिया है, नमक डाला है, हल्दी डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा ये अजवाइन डाला है, थोड़ी सी इसमें सूजी डालेंगे। सूजी से क्या होता है, बाटी कुरकुरी होती है। बाटी कुरकुरी होती है, खाने में अच्छी लगती है, टेस्ट आता है। ठीक है, ये मम्मी जी ने लगा दिया है आटा। अब इसको कैसे गोल 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 बनाना है ना, वो तो मैं भी बनाऊंगी। और गोल कैसे बनाइए? दाल बाटी खाना इतना इजी थोड़ी है। ये बड़ी बनानी मैंने। तुमको याद है इसके अंदर क्या क्या मिलाया? हाँ मुझे याद है, बताना एक बार फिर से। गेहूं का आटा, मैदा नहीं मिलाया। ओह नो, पहली गलत हो गया। गेहूं का आटा, सूजी, अजवाइन, हल्दी, नमक, सोडा, तेल का मोहन, अच्छा तेल भी डाला, और इलायची भी डाली है, घी भी डालता है, घी भी डालता है, लेकिन हम घी नहीं डालेंगे क्योंकि हमको मोटा नहीं होना। इलायची भी डाली है, इलायची डालनी है बड़ा। तो तुम एक तरीके से पहली बार इतनी दाल बाटी खाओगे ना, पेट भर के, है ना? हाँ, ये फूल जाएगी ना, मम्मी से मोटी हो जाएगी ना। हाँ, ये बोल दी क्या? ये चाहो तो इतना ही रख सकते हो, और चाहो तो इसका चाकू से आधा आधा काट के खा सकते हो। अच्छा, आपने मुझे एक बार खिलाई थी, याद आया? मेरे से नहीं बनी थी मम्मी, आपसे बनी थी, बट आपने मुझे खिलाई थी बाटी, बट इनसे बनी नहीं थी मम्मी। तो पहाड़ में दाल बाटी बनाना सीख रही है। यस, टाइम लगेगा मैडम आपको सीखने में। ये हो गई है बाटी तैयार, ये हो रहा है तेल गरम, और इधर मम्मी कर रही है दाल गरम, दाल बॉईल। तो दाल बाटी के बारे में क्या क्या जानते हो? दाल बाटी राजस्थान का फूड है। ठीक है, नेक्स्ट। कितना जानते हो दाल बाटी के बारे में? दाल बाटी दाल दाल से बनती है, बाटी आटे से बनती है। जो दाल होती है ना,
उसमें मसूर की और मूंग की दाल होती है हरी छिली वाली दाल, और उसमें लहसुन प्याज और मिर्च टमाटर डालता है और अदरक भी डालता है। तो नॉर्मल दाल जैसी दाल हो गई थी, इसमें इसमें इतना स्पेशल क्या है? दाल बाटी, दाल बाटी राजस्थान का बहुत सुनता है, दाल बाटी बनाएंगे, दाल बाटी खाएंगे, तो वो आप बताओ ना मुझे क्या स्पेशल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हमारी बाटी तैयार हो रही है। पकौड़े तलते वैसे ही तलना है ना। ठीक है, अब मां ने मो डिसाइड करियो ने कि मोट मम्मी 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 ऑटो है जब तक मैं मारवाड़ी में बात कर रहा हूं। ठीक है ना, कंजन ठा नहीं पड़े तू एंड ठा पड़ी और ठा पड़े लहसुन छोल तो छोल रही हूं। कितनी फ्राई करा मैं, कितनी ठा पड़ेगा फ्राई देखिए हो जाएगी। वाओ यार, तो कितनी अच्छी लग रही है, गुलगुली हो गई एकदम ही। थाल फिर थाल। अब मैंने मम्मी हैंग मारवाड़ी में बोल रहा हूँ, कच्चन ठा पड़े नहीं पड़ा थाल फेर नहीं भाई। थाल ये चीज होती ना यहाँ पे पलटनी है, तो मैं सोचती थाल कैसे मुंड आग राज है, तड़को उछल जा रहा है, मुंड आग राज जो तड़को उछल जा रहा मुंडा आगे रखूंगी तड़के में, मुंह में नहीं उछलेगा। आगो राखो है, आगो तो आगे ही होता है ना, आगे नहीं पीछे होता है, आगो मतलब दूर। अच्छा, आगो मतलब दूर। तड़को उछल जा रहा है, तड़को। आपने तो मेरे को उल्लू बनाया, मतलब कुछ खिलाया क्या? ये एक थोड़ी खिलाया था आपने मुझे। मुंडा आगे राज तड़को उछल जा रहा है, अभी नहीं उतरे, अभी नहीं उतरे, उछल जा धीरे धीरे। ना गाल दो पहले, नन ना नन्ना, हमारे यहाँ पर नन नन को भी छोटा कहते हैं, हमारे वहाँ भी छोटा ही होता है नन, मतलब ये तो बड़ा लग रहा है मम्मी जी को। बाटी रेडी हो चुकी है, अब हम बना रहे हैं दाल। ये दाल कब से उबालने जा रहे हैं, उबालने जा रहे हैं, इतनी कम हो गई। मम्मी बोले कि वैसे करते जाओ। ठीक है, घी तेल आया ही नहीं था यार। खुशबू मस्त आ रही है, खुशबू तो मस्त आ रही है। दाल बाटी बनाना इजी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ है। नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम बनाई, मेरी तो ऐसी तैसी हो गई यार। और मम्मी मिर्ची का कूटा बना रही है, फिर हम खाएंगे, इनको लगी बहुत तेज भूख। दाल रेडी है, ये चटनी हो गई, रायता हो गया, और ये है बाटी, और ये हमने उस दिन जो मठरी करी थी। तो अब हमारा खाना रेडी है, खाना टेस्ट करके बताती हूँ आपको मैं कि मैंने जो पहली बाटी बनाई वो कैसी बनी, कैसा क्रेडिट सारा ले रही हूँ मैं खुद ही, मम्मी जी ने मुझे जो सिखाई वो कैसी बनी, ऐसे कह सकते हैं ना। मुझे पता ही बोलना है, सही मेरे को बहुत भूख लगी है। सॉफ्ट करा रही एकदम, बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये नमक डालती रहती है जब भी देखो खाने में। बाटी के साथ तो ठीक हो रहा है मम्मी जी नमक। खाया मेरा डन हो गया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इतनी कुरकुरी बनी थी बाटी, और मैं सीख गई हूँ। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है फ्यूचर में, पता नहीं कैसे बनेगी मेरे से, बट मैं ऑलमोस्ट सीख गई हूँ। इतना ज़्यादा टफ नहीं है, पर थोड़ा टाइम टेकिंग, मतलब इतना टाइम टेकिंग भी नहीं है। मैं कहना क्या चाहती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जितना रोटी बनाने में टाइम लगता है ना उतना ही बाटी बनाने में टाइम लगेगा। बस इसमें आपको एक चीज़ याद क्या रखनी है कि आटा आपका बहुत टाइट होना चाहिए, और उसमें सूजी डालनी है, मैदा नहीं डालना है, ठीक है। और बस ये देखो पसर गए खा के। अगर आपने मेरे ब्लॉग देख लिया है यहाँ तक, तो मेरी वीडियो ख़त्म हो गई है। और अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देख ली है, मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स से फैमिली का शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।